की खबरें मिल रही हैं और मनीष सिसोदिया जी का वीडियो भी आया है। एलजी हाउस में अफरा तफरी का माहौल है, एम्बुलेंसेस बुला ली गई हैं, तमाम पुलिस बल के लोग वहां पहुंच गए हैं। पूरे एलजी हाउस के क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और ऐसा लग रहा है कि मनीष सिसोदिया जी को और सत्येंद्र जैन जी को उठाने की तैयारी दिल्ली की पुलिस और एलजी साहब कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र के अंदर अगर एक तानाशाह व्यक्ति जनता की आवाज को नहीं सुनता, हमारे पास रास्ता क्या है? हम आपसे कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। लोकतांत्रिक ढंग से पिछले 5 दिनों से सत्याग्रह कर रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं कि दिल्ली के लोगों के मसले का समाधान कीजिए। और उसके लिए हमारे 2 मंत्री अनशन पे बैठे हुए हैं। आप बजाय इसके कि आप मुद्दे का समाधान कीजिए, उन लोगों की गिरफ्तारी की तैयारी करा रहे हैं, उनको जेल भेजने की तैयारी करा रहे हैं, जो उनको चिकित्सीय आवश्यकता है एनीमा लगने की उसको आप पूरा नहीं करते, जो वहां पर उनकी देखरेख की जरूरत है उसको आप पूरा नहीं करते, उनको गिरफ्तार करने के लिए पूरा पुलिस बल और डॉक्टरों का पूरा तामझाम एलजी हाउस में इकट्ठा किया गया है। आम आदमी पार्टी इसकी निंदा करती है और चेतावनी देना चाहती है एलजी साहब को कि आप कृपा करके ऐसे कोई रास्ते मत अपनाइए जो दिल्ली के हालात के लिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए और हमारे धैर्य के लिए उचित ना हो, क्योंकि हम लोकतांत्रिक ढंग से अहिंसात्मक तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। अहिंसात्मक तरीके से हमको अपना विरोध दर्ज कराने दीजिए, जो हमारा संविधान और लोकतंत्र के अधिकार के अंदर अधिकार है उसके तहत हम अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसमें कोई दूसरा हथकंडेबाजी करने की कोशिश मत कीजिए। सर, बीजेपी के जो लीडर सीएम ऑफिस में बैठे हैं धरने पे, अब उनमें से कुछ लोग अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पे बैठ गए। अब वो क्या उनका ड्रामा चल रहा है वो तो वही लोग जानते हैं। किसी मुद्दे पर आप हड़ताल करें तो जनता आपका साथ देती है। जैसे आज दिल्ली के हकों की लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी लड़ रहे हैं तो पूरी जनता उनके साथ खड़ी है, परंतु भाजपा तो मजाक कर रही है। कभी वे पूरे सचिवालय पर कब्जा कर लेते हैं, अपने गुंडों को बुलाकर वहाँ पोस्टर चिपकाते हैं, वहाँ उसकी छत पे कब्जा कर वहाँ बैनर लहरा रहे हैं। तो ये जो अनलॉफुल चीजें हैं, गैर कानूनी चीजें कर रहे हैं, वो गलत है, वो तमाम गलत है।